आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, राष्ट्रीय खेल दिवस। आज मैं दो नाम के बारे में आपसे एक आग्रह करूंगा कि इसके बारे में हम सोचें कि ये जो दो नाम हैं भारत में, इन्हें आज तक भारत रत्न क्यों नहीं मिला। वैसे तो स्पोर्ट्स डे के नाम पे हम स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसे हम और इग्नोर नहीं कर सकते। पहला नाम है ध्यानचंद, द ग्रेटेस्ट एवर इन दिस स्पोर्ट। आज तक उसे हम भारत रत्न क्यों नहीं देना चाहते हैं, ये हमारी समझ से पड़े है। स्पोर्ट्स पहले कैटेगरी में नहीं था, ये बात सही है। सचिन का धन्यवाद है कि सचिन की वजह से ये कैटेगरी आई, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए मरणोपरांत पोस्टूमसली। और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उनके जन्मदिन पर हम स्पोर्ट्स से मना रहे हैं और उन्हें हमने भारत रत्न नहीं दिया है। तो एक ध्यानचंद जी का नाम है, दूसरा विश्वनाथन आनंद। मुझे लगता है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं ये कहूं कि चेस के महानतम खिलाड़ियों में विश्वनाथन आनंद का नाम है तो ये कोई अतिशयोक्ति होगी, दिस इज नॉट एन एग्जैगरेशन। लेकिन मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। ऐसे तो चेस में आप किसी से पूछें, चेस के एंथुजियास्ट को, वो कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कास्परोव ग्रेटेस्ट है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बॉबी फिशर तो अल्टीमेट नेम है, और अलग अलग लोग, कुछ लोग आज के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो मैग्नस कार्लसन का नाम कहेंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कार्लसन को अगर आप ग्रेटेस्ट कहें तो मैं इसे इस तथ्य को नकार नहीं सकता हूं। लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि ग्रेटेस्ट चेस में वही हो सकता है जो प्री इंटरनेट एरा में जो खेला है, क्योंकि आज जितने इनसेन नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल है मूव्स के, तो उसमें थोड़ा सा तो कंपेरेटिवली आसान है चीजें। और चेस एक ऐसा गेम है जिसमें कि हमेशा आने वाली पीढ़ी के जो आपके खिलाड़ी है वो आपको ज्यादा ग्रेटर लगेंगे। आने वाले समय में देखेंगे कि प्रग जो है वो ग्रेटेस्ट इन द मेकिंग है, कार्लसन से बहुत आगे निकलने वाले। तो ये डिबेट हमेशा आगे चलता रहेगा, लेकिन ये एक ऐसा नाम है विश्वनाथन आनंद जो कनेक्टिंग लिंक है। ये उस समय भी ये खेलते थे और उन्होंने तो एक रास्ता खोला है भारत के लिए, पहले ग्रैंड मास्टर थे और आज भी खेल रहे। कैन यू इमेजिन कि कोई 53 साल का कोई व्यक्ति टॉप 10 में है चेस में? आप बता सकते हैं कोई नाम आज? शायद वेस्टर्न टोपालो आप कहेंगे, लेकिन वो 40 साल के हैं, 24 रैंकिंग 25 रैंकिंग उनकी होगी। लेकिन आप समझिए कि ये आदमी पिछले 30 सालों में 15 के बाहर गया ही नहीं। तो अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं है तो किसे कहेंगे आप? कास्परोव का मैं बहुत बड़ा फैन था बचपन में, इनफैक्ट जो 95 में जो मैच हुआ था आनंद और कास्परोव का, मैंने फॉलो किया था और उसमें मैं शुरुआत में कास्परोव को ही सपोर्ट कर रहा था। तो कास्परोव की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है बिकॉज ऑफ हिज अटैकिंग गेम। लेकिन 2000-2001 तक आते आते ही वॉज द शैडो ऑफ हिमसेल्फ। बॉबी फिशर की बात करते हैं तो बॉबी फिशर ठीक है 29 साल में ईयर्स के थे तब जो उन्होंने जीता, उसके बाद फिर लगभग रिटायर हो गए, हाशिए पे चले गए, बैकग्राउंड में चले गए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आपको मैं गिना सकता हूँ कि जो शुरुआत में बहुत अच्छा खेले, लेकिन लॉन्जिविटी, इतनी कंसिस्टेंसी किसी भी चेस के खिलाड़ी में अगर है तो आप बताएं। शायद एक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जिन्होंने अपने 40s में भी अच्छा खेला है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आनंद ने मिखाइल ताल को भी हरा है, जो पुराने और नए जनरेशन की बात हो गई। 89 में एक मैच है, वो यूट्यूब में अवेलेबल है, तो उसमें मिखाइल ताल के साथ एक ही मैच आनंद का हुआ था। भले ही मिखाइल ताल अपने आखिरी पड़ाव में थे, लेकिन वो ब्लैक पीस से हराया था आनंद ने। तो आनंद कई कारणों से मैं उन्हें स्पेशल मानता हूँ चेस में, इसलिए नहीं कि वो नाइट से अच्छा खेलते हैं और इसलिए नहीं कि वो रैपिड गेम में उनके जैसा आज तक मुझे नहीं लगता है कभी कोई हुआ ना हुआ है, आगे भी शायद नहीं होगा। उनका रिकॉर्ड केवल प्रग तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो लॉन्जिविटी एक बहुत बड़ा उसमें फैक्टर होता है किसी स्पोर्ट में। कोई भी चेस की दुनिया में ऐसा नहीं है जो इतना लॉन्जिविटी, जिसकी आप देखिए कि 53-54 साल के हो गए, टॉप 10 में है, ये एक अचंभित करने वाली बात है अपने आप में। इतने महान खिलाड़ी को और इतना कॉन्ट्रोवर्सी फ्री उनका लाइफ रहा है, इतने महान खिलाड़ी को अगर हम भारत रत्न नहीं कहते स्पोर्ट्स में, तो ये हमारी अपनी त्रासदी है। स्पोर्ट्स डे से आपका जो पहला जो खेल जो आपको खेल से आपको सबसे बड़ा सम्मान भारत में क्या आपको याद आता है? खेल रत्न अवार्ड। मुझे याद है कि जब कौन बनेगा करोड़पति में जो चिल्ड्रन स्पेशल सबसे पहले शुरू हुआ था, बहुत साल पहले हम लोग छोटे थे, तो उसमें जो फर्स्ट चिल्ड्रन स्पेशल का जो खिताब जिसने जीता था, शायद रवि मोहन सैनी विशाखापट्टनम से थे, मुझे याद है, मैं देख रहा था अपने छोटे से गाँव में। तो उनसे आखिरी जो क्वेश्चन था, 1 करोड़ का क्वेश्चन, ये यही पूछा गया था कि पहला खेल रत्न अवार्ड किसे मिला, और मुझे इसका उत्तर पता था तो उन्होंने बताया था उन्हें 1 करोड़ मिला था।
तो ये पहला जो खेल रत्न अवार्ड 91-92 में मिला था वो विश्वनाथन आनंद को मिला था, और शायद उन्हें 2007-06 में पद्म विभूषण मिला, उसके बाद से फिर उसके बाद से हम बस तालियां बजाने लगे उनके लिए। तो ये गलत बात है, मुझे लगता है कि इतने महान खिलाड़ी, आनंद की अपनी ही गलती थी जिसकी वजह से आज वो हम ग्रेटेस्ट इन द चेस नहीं कहते हैं। 2014 में वो कार्लसन से अपनी गलती से हारे, अगर वो मैच वो जीत जाते तो कार्लसन से आज बहुत आगे इनका नाम होता। और ये मैं उसी टेम्परामेंट की कमी मानता हूँ जो थोड़ी बहुत आनंद ने अपनी ढिलाई की। वो अपने प्राइम में जब थे तो वो गायब थे, बाकी लोग बाकी जगह के कैस्परोव हो या कार्लसन हो, बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी लोग जब जीतने के कगार पे होते थे तो उनका और भी परफॉर्मेंस एग्रेसिव हो जाता था। और हमारे खिलाड़ियों की जो समस्या है, अब जीतने के नज़दीक आते हैं तो हम ढिलाई हमारे अंदर आ जाती है, हम बहुत ही ममता जाग जाती है हमारे भीतर, और हम सभी खेलों में यही प्रॉब्लम है। वही चीज़ हमें बैडमिंटन में भी देखा, सभी खेलों में यही चीज़ देखते हैं, जीतने के करीब आए तो हम बहुत आराम से हो जाते हैं। और बाकी खेल बाकी जगह देशों में एक टेम्परामेंट है, वॉर में भी स्पोर्ट्स में भी, जब जीत के करीब आते हैं तो और भी अधिक एग्रेशन हो जाते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में भी हमारी ये गलती रही है कि हम जीत गए तो हमने हम माफ़ करके हम लौटा देते हैं और फिर उसी से हार जाते हैं दूसरी बार। बाकी जगह के लोग जो है दे गो फॉर द किल। तो ये स्पोर्ट्स एक टेम्परामेंट में एक थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट का थोड़ा सा फर्क मुझे लगता है, और इस वजह से अगर आनंद थोड़ा सा और अगर अपने प्राइम में और लिवरेज करते हैं अपनी कैपेबिलिटी को, जो एक असंभव सी कैपेबिलिटी थी उनके अंदर, तो आज उनके दूर दूर तक चेस में उनके जैसा कोई डिबेट ही नहीं था। ये दिस डिबेट वॉज क्लोज्ड। लेकिन वो 2013-14 में ढिलाई उन्होंने की कार्लसन के साथ जो मैच हुआ, और उसके पहले भी कास्परोव से कई मैच वो जीतते जीते आ रहे। तो खैर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतने महान खिलाड़ी को अगर हम भारत रत्न नहीं देते हैं तो ये हमारी अपनी अपनी भूल है। और आगे के खिलाड़ियों के लिए अभी अगर हम उन्हें भारत रत्न देते हैं तो गुकेश हैं, प्रग हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो एक लाइन खड़ी हो गई हमारी, इन लोगों को कितना इंस्पायर करेगा। तो सचिन का धन्यवाद है कि उन्होंने ये रास्ता खोला भारत रत्न का, और निस्संदेह सचिन स्पोर्ट के ग्रेटेस्ट हैं, और उनकी वजह से भारत रत्न में स्पोर्ट्स की एंट्री हुई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। लेकिन अब जब हुई है, जब एंट्री हुई है स्पोर्ट्स की, अब मेजर ध्यानचंद जी को नहीं देना ये समझ से पड़े है, और फिर हम स्पोर्ट्स ही मना रहे हैं उनकी जयंती। तो मुझे लगता है कि बाकी सभी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन किसी भी तरीके से इन दो खिलाड़ियों का जो योगदान है भारत के खेल जगत में कम नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को दिया गया भारत रत्न, उसी तरीके से ध्यानचंद साहब को मरणोपरांत पोस्टमार्टम दिया जाए, और फिर आज विश्वनाथन आनंद को भी दिया जाए। और भी कई नाम है, मैं कई नाम गिना सकता हूँ इसमें, लेडर पेस का नाम है टेनिस में, ये इस लिस्ट में बहुत नाम ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम जो मुझे लगता है कि जिन्होंने इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं चेस के ग्रेटेस्ट में मैं गिन सकता हूँ और तर्क कैसे दे सकता हूँ। लॉन्जिविटी आप समझिए कि 54 साल का कोई आदमी टॉप 10 में है चेस में, आप समझ नहीं पा रहे कि किस एरा के लोगों के साथ आनंद खेले हैं। कार्पोव के साथ खेले, कास्परोव के साथ खेले, मिथाइल लाल के साथ एक मैच हुआ वो उन्होंने उन्हें हराया, क्रैडमिक को हराया, सभी लोगों को हराया, दिग्गजों को हराया 90s में, और उसके बाद फिर नए जनरेशन को लगभग हराते ही हैं बीच बीच में सभी लोगों को। और ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। और ये उस समय के प्री इंटरनेट एरा के, जब इनके पास, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है ना, डेटाबेसेस कंप्यूटर्स साथ खेलकर और बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो इतने महान खिलाड़ी को हम अगर भारत नहीं देना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। तो ये मेरा आग्रह है सरकार से कि इन दोनों खिलाड़ियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जिससे नए खिलाड़ियों में और भी अधिक खेल को लेकर एक रुचि आए।